दोस्तों आप सभी लोग मेरा वीडियो देखते हो मुझे ये पता है, और आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी आता है मेरे हर एक वीडियो पर कि सर मैं ये चैनल बनाया, आपने मुझे बताया मेरा चैनल ग्रो हो गया है, आज इतने लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतने मिलियन हो गए हैं, इस तरीके से मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूं। और कई सारे ऐसे भी कॉमेंट आते हैं कि सर मैं बहुत दिन से इस चैनल पर काम कर रहा हूं, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, देखिए थोड़ा क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कमेंट के थ्रू जब उनके चैनल पर जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। पता है कोई ब्लॉग चैनल पर काम कर रहा है, कोई भैया किसी को देखकर कॉमेडी कर रहा है, चाहे भले ही ना हंसी आए लेकिन कॉमेडी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, यानी देखी देखा सभी लोग भेड़ चाल की तरीके से एक ही जैसे चीजों पर काम कर रहे हैं। और अपने देश में यही दिक्कत है कि अपने देश में जो लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूबर बनना है, तो उनके दिमाग में पता है क्या आता है, अच्छा अच्छा यूट्यूबर बनना है तो फिर मुझे सौरभ जोशी जैसा ब्लॉग बनाना पड़ेगा, या फिर कैरी मिनाटे जैसे रोस्टिंग करनी होगी, आशीष चंचलानी जैसे कॉमेडी करनी होगी, ये सारी चीजें उनके दिमाग में आती हैं। भाई किसी को देखकर मत काम करो, चैनल आपको जल्दी ग्रो करना है ना भैया, 4 महीने 6 महीने इंतजार थोड़ी ना करना है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन में ग्रो करना है तो वो ग्रो आपका चैनल होगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग अलग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या अलग लगाना पड़ेगा, वो चैनल ना बनाओ जो सब बनाते हैं, वो चैनल बनाओ जो कोई नहीं बनाता। और मुझे पता है आपको ऐसा चैनल मिलता नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं, विदेशों का ऐसा चैनल खोज कर लाया हूं जो चैनल इतना आसान है, आज तक शायद ही कोई ऐसा चैनल मैंने आपको बताया होगा। और एक चीज बता दूं, मुझे पता है आप सब लोग चेहरा नहीं दिखा सकते, आवाज नहीं डाल सकते, खुद का वीडियो नहीं बना सकते, समझ में नहीं आता क्या बनाऊं, डेली उठते हो ये सोचते हो कि यार कौन सा वीडियो बनाऊं, ये सब कुछ नहीं सोच सकते, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो चैनल लेकर आया हूं, नो फेस, कोई आवाज कोई चेहरा आपको नहीं दिखाना है, नो वॉइस, कोई आवाज भी नहीं डालना है, और सबसे अच्छी बात सिर्फ 10 मिनट आपके लगने वाले हैं और आपका वीडियो कंटेंट तैयार। अब आपको लग रहा होगा सर व्यूज मिलेगा, आपके सामने ओपन किया हूं उसी चैनल का एनालिटिक्स, 30 दिनों के अंदर 98 मिलियन 100 मिलियन के करीब व्यूज ले रहा है, और विदेशों में इंडिया में हर जगह ये कंटेंट देखा जाता है, लेकिन ये जो चैनल है वो विदेशों का है। हमेशा बोलता हूं ना, दिमाग लेना है तो थोड़ा विदेशी यूट्यूबर को देख लिया करो, आसान चीजों में कैसे वो क्रिएटिविटी करते हैं देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इतना आसान काम मैं भी कर सकता हूं, और इतना मिलियंस में व्यूज ले रहा है, मिलियंस में सब्सक्राइबर किया है, अर्निंग की बात करूं तो दिखा रहा है $24,000। भाई ये कमा भी रहा होगा क्योंकि विदेशों का चैनल है, विदेशों में आरपीएम बहुत हाई होता है, 10 से 20 गुना हाई होता है अपने देश के कंपैरिजन में। लेकिन मैं अगर इंडिया का चैनल मानूं, अगर आप ओपन करोगे आपका चैनल मानूं, तो $3,000 आपके कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस की बात कर रहा हूं, यूट्यूब की बात कर रहा हूं, बिना स्पॉन्सरशिप के $3,000 $2,500,000 होते हैं। इतना पैसा कमाओगे ना तो खुद खुश हो जाओगे कि मजा आ गया भैया, यूट्यूब मुझे दबा के पैसे दे रहा है। अब मेरे पर मत जाना, अरे सर इतना आसान है आप क्यों नहीं कर लेते, भाई मैं जो चैनल पर काम कर रहा हूं बढ़िया से कमा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए आपके लिए चैनल लेकर आया हूं, और वो चैनल है जो सबसे आसान है। आप सभी लोग, जितना लोग ये वीडियो देख रहे हो आज, आप सभी लोग कमेंट करके बोलोगे सर इससे आसान चैनल मैंने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा, और इससे ज्यादा आसान चैनल कोई बता भी नहीं सकता, और इतना आसान चैनल कि मैं भी काम कर सकता हूं, मेरा छोटा बच्चा है वो भी काम कर सकता है, मेरे मम्मी पापा हैं काफी ज्यादा एज के हैं वो भी काम कर सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। भाई मेरा बच्चा नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि आप लोग ऐसा बोलोगे, और ये सारी चीजें आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बस आपको काम क्या करना है, इस आसान चैनल पर काम करना है, स्टार्ट करना है। अब डायरेक्ट लेकर चलता हूं उस चैनल पर, विदेश का कौन सा चैनल है, क्या आसान कंटेंट बनाता है, देखकर तुरंत आप लोग कमेंट करोगे सर बहुत ज्यादा आसान, इतना व्यूज ले रहा है, इतने सब्सक्राइबर किया है, हमको मालूम नहीं था। और एक चीज और बता दूं, सिर्फ ये बंदा वो वीडियो जो बनाता है 10 मिनट में वीडियो बनकर तैयार होगा, ये 10 मिनट का जो वीडियो बनाता है वो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता है, मिलियंस में व्यूज लेता है, सब्सक्राइबर मिलियंस में किया ही है, साथ में बंदा वही वीडियो उठाकर इंस्टाग्राम पर डालता है और वहां पर भी मिलियंस में व्यूज लेता है, मिलियंस में सब्सक्राइबर किया है, वो 10 मिनट का आसान वीडियो बनाकर दोनों जगह डाल रहा है और तगड़े से व्यूज और पैसे कमा रहा है, जो कि आप भी कमा सकते हो। अगर मैं आपको भी ये सब चीजें ना बताता, डायरेक्ट चैनल दिखाता, डायरेक्ट वीडियो दिखाता ना, आप बोलते अरे सर इतना आसान
वीडियो है, कौन देखता होगा भाई। वही तो दिक्कत है ना, देखने वाले भरे पड़े हैं, बस आपको वो चीजें बनानी होगी कुछ अलग तरीके का जो ये बना रहा है। डायरेक्ट चैनल पर लेकर चलता हूं, चीजें दिखाता हूं। उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश जो हमेशा करता हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं, आपकी जो यूट्यूब की जर्नी है पूरी बदल कर रख देगा। और साथ में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई इतना रिसर्च करके किसके लिए लाता हूं आपके लिए, कोई पैसा लग रहा है लाइक करने का? नहीं तो तुरंत लाइक भी कर दो। अब डायरेक्ट लेकर चलता हूं चैनल पर, कॉन्टेंट दिखाता हूं, देख कर खुश हो जाओगे। दोस्तों यहां पर मैं उस चैनल पर आ चुका हूं जिस चैनल की मैं बात कर रहा था। चैनल का नाम देखो क्या है, जोशुआ जावा। विदेश का एक चैनल है, लेकिन यहां पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ इस बंदे ने 112 वीडियो, और वो भी कौन से वीडियो, शॉर्ट्स के वीडियो, 40 से 50 सेकंड का वो शॉर्ट्स का वीडियो डाला, और उस 112 वीडियो से बंदे ने 2.67 मिलियन यानी 26 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिए हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, 100 वीडियो के लमसम यहां पर डाला हुआ है, इतना ज्यादा सब्सक्राइबर किया है, तो भाई वीडियो में दम होगा, लोग पसंद कर रहे होंगे, तभी इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज आए, तभी जाकर ये इतने कम वीडियो से इतने सब्सक्राइबर गेन कर पाया। समझ में आया? अब कंटेंट क्या बनाता है देखना, दिल थाम कर देखना, खुश हो जाओगे कि सर इतना आसान कंटेंट आखिर देखता कौन है। अब यहां पर मैं आ चुका हूं इनके शॉर्ट्स चैनल पर, शॉर्ट्स वीडियो पर, चैनल पर नहीं, वीडियो पर। अब इन शॉर्ट्स वीडियो में कितने व्यूज आते हैं वो पहले दिखाता हूं, फिर कंटेंट आपको दिखाता हूं। एक बार मैं पॉपुलर वीडियो पर जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से व्यूज आते हैं, फिर आपको दिखाता हूं कंटेंट क्या बनाता है। यहां पर देख लो, मैं पॉपुलर वीडियो के अंदर आया हुआ हूं और आप देख सकते हो, एक बार व्यूज पर नजर आप डालो, 119 मिलियन व्यूज, 104 मिलियन व्यूज, 60 मिलियन, 56 मिलियन, 53 मिलियन, 49 मिलियन, ऐसे ऐसे सैकड़ों मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। कितना आसान कंटेंट बनाकर, देखना चाहते हो? चलो भैया देखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे मोस्ट वायरल 119 मिलियन वाला ओपन करता हूं, और सारे ऐसे ही कंटेंट होते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर वीडियो ओपन हो रहा है, देखिए समझ में आया कुछ चीजें, पहले थीम समझो। कोई चेहरा दिखाया जा रहा है, कहीं पर कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज डाली जा रही है, कुछ बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको खिटपिट की आवाज आ रही होगी, जो यहां पर चल रहा है वही चीज बस। अब यहां पर किया क्या जा रहा है, थीम समझो, क्योंकि जब थीम समझोगे तभी कॉन्टेंट समझ पाओगे। यहां पर अलग अलग कंट्री का झंडा लिया जाता है, बहुत सारे कंट्री आपको पता है, पता नहीं कितने, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, 100, 200, 400 जो भी होंगे। अब अलग अलग कंट्री का झंडा लिया जाता है, कौन सी कंट्री है ये नहीं लिखा जाता, बस वो झंडा यहां पर लगाया जाता है आराम से, और उस झंडे में जो जो कलर है, जैसे ये ब्लू है मतलब हल्का सा नेवी ब्लू, और ये व्हाइट है, और ये येलो कलर है, तीन कलर है इस झंडे में, उन तीनों कलर को लिया जाता है। अब उन तीनों कलर को लेकर पहले एक कलर ये लिया जाएगा, फिर इसमें से निकाला जाएगा ब्रश से, फिर इसमें से निकाला जाएगा, और तीनों को बढ़िया से मिक्स कर लिया जाएगा। मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनकर तैयार होता है उसी का नाम लिख दिया जाएगा, बस कंटेंट हो गया। और ये दो तीन जैसे देश के झंडे का ऐसे लेकर कर देते हैं, एक वीडियो बनकर तैयार। यहां पर ध्यान से अब देखो, अब समझ में आ जाएगा पूरा थीम कि ये करते क्या है। देखो देखिए, व्हाइट ले लिए, अब यहां पर येलो कलर मिक्स करेंगे अच्छे से बढ़िया से, और मिक्स करने के बाद देखिए अब यहां पर जो कलर निकल कर आएगा, थोड़ा सा फास्ट कर दिए वीडियो, यहाँ पर मिंट कलर निकल कर आया। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये झंडा शायद अमेरिका का है, हाँ शायद अमेरिका ही के, यहाँ पर रेड है, वाइट है, ब्लू है, तीन कलर है, क्योंकि इस झंडे में तीन ही कलर हैं, तीनों को अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, तीनों कलर लेकर बढ़िया से मिक्स करेंगे, जो कलर निकल कर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। देखो आराम से स्काई ब्लू आया, बस यही तीन चार देश का झंडा का ऐसे लेकर मिक्स कर दिए, 40-50-60 सेकंड का वीडियो बनकर तैयार। और सारे वीडियो वही टाइप के होते हैं, सारे वीडियो कुछ झंडे का होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे अलग अलग कलर को मिक्स करके बनाना, मतलब अलग अलग कलर मिक्स करते हो कुछ अलग डिफरेंट बनकर तैयार होता है ना, वही सारे चीजों के ऊपर कॉन्टेंट बनाया जाता है। और बंदा इतना अच्छा खासा व्यूज, इतना अच्छा खासा सब्सक्राइबर लिया है, और 100% चैनल मोनेटाइज होता है, भले आवाज नहीं डाली गई, भले चेहरा नहीं दिखा गया, लेकिन वीडियो भैया आपका ही है ना, आप ही वीडियो बना रहे हो, लेकिन ये है ना, चेहरा दिखाना है ना आवाज डालना है, तो कैमरे के सामने नहीं बोल पाते, वैसे आवाज नहीं डाल पाते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हाथ चलाना है वो ब्रश वाला, बस इतने ही रिकॉर्ड से आपका काम हो जाएगा। और यही सेम वीडियो डालकर बंदा, देखो इंस्टाग्राम पर, देखो इंस्टाग्राम पर ध्यान दो, देखो ये है इंस्टाग्राम अकाउंट उसका, इस पर भी इसने सिर्फ 136 पोस्ट डालकर 2.8 मिलियन फॉलोअर भी ले लिए हैं। सोचो दोनों जगह पर तगड़े से इसका कॉन्टेंट चल रहा है। और आपको क्या अभी तक लगता है
कि YouTube पर ग्रो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमको कुछ अलग बनाना पड़ेगा, और आप हार्ड चीजों में ही फंस कर रह चुके हो कि यार ये चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यही चैनल ग्रो होता है। भाई इतना आसान आसान चीजें विदेशों में अगर चल रहा है तो अपने देश में नहीं चलेगा, 100% चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। बच्चे भी देखेंगे और भी जो बड़े लोग देखना पसंद करेंगे वो भी, मैक्सिमम बच्चे भी देखते हैं और अच्छा खासा व्यूज दे रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर, जल्दी ग्रो हुआ है चैनल, तभी तो भाई साहब 112 वीडियो से इतने इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए हैं, वरना इतने वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर होना मुश्किल हो जाते हैं ऐसे चैनल पर जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कोई कंपटीशन नहीं है, अब इंडिया में कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि जिसको ऐसे नॉर्मल वीडियो दिखा दोगे ना बोलेगा अरे यार क्या फालतू वीडियो बना रहा है, इस पर कहां व्यूज आ रहे होंगे, लेकिन जब चैनल दिखाओगे तब करेगा अरे भैया इतने आसान वीडियो से इतना अच्छा खासा व्यूज ले रहा है, सब्सक्राइबर ले रहा है। तो भाई लोगों को सोचने दो, आपको काम करना है, स्टार्ट करना है, सबसे आसान है। आप खुद बताओ मुझे, दिल पर हाथ रखकर कमेंट करके बताओ कि आसान है या नहीं है, इससे आसान क्या आपको कोई चैनल मिल सकता है, ना चेहरा दिखाना ना आवाज डालना, सिंपल सा बस कलर का मिक्स करो हो गया कंटेंट तैयार, बस वही नाम लिखना है कि कौन सा कलर बनकर तैयार हुआ और ऊपर से झंडा लगा देना, हो गया आपका काम खत्म, झंडा आप एडिटिंग में लगा देना, बस एक व्हाइट कलर का पेपर शीट ले लेना, आराम से बता देता हूं थोड़ा सा आपको मैं कैसे कंटेंट बनाना है, व्हाइट कलर का एक पेपर शीट ले लेना, झंडा आप एडिटिंग में लगा देना जिस देश का लगाना है, मोबाइल में अपना देख लेना, अब जैसे झंडे में तीन कलर है, तीनों कलर ऐसे यहां पर रख लेना पेपर शीट पर, और इसके बाद ब्रश से एक बार ये कलर लो, एक बार ये कलर लो, एक बार ये लो, और इसके बाद उसको आराम से मिला लो, और मिलाते हुए जब रहेगा अपना एडिटिंग करते टाइम फास्ट कर देना, जल्दी से मिलाने के बाद जो कलर बनकर आएगा उसका नाम लिख देना, भाई ब्लू बन गया, नेवी ब्लू बन गया, जो भी बन गया वो कलर का नाम लिख देना, हो गया। फिर इसके बाद दूसरे तीसरे दो तीन कंट्री का कर दिया, आपका 40-50 सेकंड का वीडियो बनकर तैयार, भाई 10 मिनट के अंदर वीडियो बनेगा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, और वो 10 मिनट कर कितने अच्छे खासे व्यूज ले रहा है, आसान चैनल से काम करके आपको सारा कुछ दिखा दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहां पर अगर आपको कोई डाउट है कि सर मुझे ये डाउट है, ये चीज पूछना है, कुछ भी बचा है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन दिल से वीडियो पसंद आया है, आसान चैनल लगा है, तो कमेंट अपना प्यारा सा कर देना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चैनल पर नए हो, चैनल से नए जुड़े हो, तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और शॉर्ट चैनल बनाने का फुल तरीका 2024 का यहां पर आपको मिल जाएगा कोने में वीडियो, देख लेना चैनल पहले प्रॉपर सेटिंग के साथ, ये 2024 का जो तरीका बताया वैसे बना लेना, और इसके बाद काम करना स्टार्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।